मध्य प्रदेश के सीधी से बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला द्वारा आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर देने का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस बीच लोगों ने इस पूरे मामले पर आरोपी प्रवेश शुक्ला पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित को अपने घर बुलाकर न्याय दिलाने की बात कही। इसके बाद बकायदे पैर धुले, माला पहनाई और साथ में खाना भी खिलाया। वहीं अब इस पूरे मामले पर विपक्ष ने शिवराज सिंह चौहान पर नौटंकी और पीआर का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर कहा, सीधी जिले में हुई इस शर्मनाक घटना ने पूरे देश के सामने मध्य प्रदेश को कलंकित किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को सिर्फ कैमरे से मतलब था, अगर उनका मन साफ होता तो वे कैमरा नहीं बुलाते। ये कैमरा वाला नाटक पिछले 18 साल से जारी है, लेकिन अब यह चलने वाला नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने इस पूरे मामले पर कहा, शिवराज जी आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों में मध्य प्रदेश नंबर वन है। आपके शासनकाल में 30,400 आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है। साल दर साल मामले बढ़ रहे हैं। पैर धोना तो दूर, बाकी पीड़ितों की कोई खोज खबर तक नहीं ली है आपने। आपके इस ढोंग से जनता भली भांति वाकिफ है, झोला उठाने की तैयारी कर लीजिए। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने इस वीडियो पर कहा, अब मामा जी के नाटक की पारी, जिसके ऊपर पेशाब किया अब उसके पैर धो रहे हैं, माला पहना रहे हैं मामा जी। पीछे दलित महिला समाज सुधारक की प्रतिमा भी, पूरी नौटंकी होनी चाहिए, कोई कमी न रह जाए। विपक्ष के एक अन्य नेता ने इस वीडियो पर कहा, यह सिर्फ वोट के लिए नौटंकी है। आप लोगों के दिलों में आज भी दलितों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों के लिए नफरत है, इसीलिए आदिवासी भाई का पैर धोने के बजाय अपने दिल और दिमाग की सफाई करें मामा जी। फिलहाल दोस्तों, आप इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें और ज्यादा ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए टारगेट न्यूज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।